नमस्कार आदाब, हमारे विशेष नाम पर सियासत में आपका स्वागत है। मैं हूं रिजवान अहमद सिद्दीकी। केंद्र सरकार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री आवास योजना करने की तैयारी में है। इस योजना में कुछ रद्दो बदल भी किए जा सकते हैं। आवास बड़े और महंगे किए जाने का प्रस्ताव है। अब आवास की दुगनी कीमत 1.25 लाख हो जाएगी। बात इतनी ही नहीं, मोदी सरकार इससे पहले भी राजीव गांधी के नाम से जुड़ी दो योजनाओं का नाम बदल चुकी है। इसमें से एक योजना का नाम सरदार पटेल और दूसरी योजना को जनसंघ के नेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय का नाम दिया गया है। जी हाँ, यही हमारा आज का विशेष नाम पर सियासत। इससे पहले कि हम अपने मेहमानों से चर्चा करें, देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जब जब देश में सरकारें बदलती हैं, तब तब पूर्व सरकार की योजनाओं पर बदलाव देखने को मिलता है। मोदी सरकार गांधी परिवार से एक और सरकारी योजना को अलग कर रही है। केंद्र सरकार इस बार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलने की तैयारी में है। केंद्र सरकार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर रही है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार केवल नाम ही नहीं बल्कि नाम के साथ साथ कई और बदलाव करने की तैयारी कर रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस योजना में संशोधन से जुड़ा नोट पहले ही पेश कर दिया है। बता दें, सरकार इससे पहले भी राजीव गांधी के नाम पर चल रही दो योजनाओं का नाम बदल चुकी है। एक योजना का नाम सरदार पटेल के नाम पर तथा दूसरी योजना का नाम दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर किया गया है। इंदिरा आवास के नाम से जो योजना थी सुना है, उसका नाम बदला जा रहा है। राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना का नाम बदला जा चुका है। इसी तरह से एक कवायद है, इनको पॉजिटिव कुछ काम करना चाहिए, नई योजना देनी चाहिए। इंदिरा आवास योजना में गरीबों के लिए घर बनाए जाते हैं। योजना के तहत मैदानी इलाकों में हर यूनिट के लिए 70,000, पहाड़ी इलाकों में 75,000 और मरम्मत के लिए 15,000 रुपए की सहायता मिलती है। मोदी सरकार इस योजना में बदलाव करके घरों को बड़ा और महंगा बनाने की तैयारी कर रही है। हर घर की लागत तकरीबन 2 गुनी होकर 1,25,000 हो जाएगी। नई योजना में रसोई घर भी बड़ा होगा, साथ ही मौजूदा क्षेत्र को 22 से बढ़ाकर 25 वर्ग मीटर किया जाएगा। केंद्र सरकार ने अगले 7 साल में ग्रामीण हाउसिंग स्कीम के तहत 3 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य तय किया है। कांग्रेस पार्टी ने ये समझा होगा या सोचा होगा या उन्होंने जानबूझ करके किया होगा कि एक ही परिवार के नाम पे सारे देश की चीजें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन उसके आगे भी जो है वो चीजें हैं और हमारी सरकार जो है वो उनको जो है वो काले पन्नों में नहीं डाल रही, उनको स्वर्णिम पन्नों में है रहे, लेकिन और लोग भी हैं जिन जो है उसके हकदार हैं। तो वही इस पूरे मामले में विपक्षी दलों का क्या कुछ कहना है, आइए सुनते हैं। नामकरण किए हैं, कल को यूपीए की सरकार आएगी वो इन नामों को बदलेगी, लिहाजा नामकरण की और नाम बदल की जो बदले की राजनीति है उससे सभी दलों को परहेज रखना चाहिए। केंद्र सरकार इंदिरा आवास योजना का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। जाहिर है इससे पहले भी सरकार राजीव गांधी के नाम पर चल रही दो योजनाओं का नाम बदल चुकी है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि क्या केंद्र सरकार के जरिए नाम बदल देने भर से ही योजनाएं सुचारू रूप से चलने लगेंगी। न्यूज़ वर्ल्ड एक्स। तो आपने देखा, इनका भी नाम रहे तो उनका भी नाम रहे, ये सरकार की सोच है। विपक्ष को लगता है जानबूझकर ऐसा किया जा रहा है। इसी सारे विषय में हम बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपचंद यादव, भारतीय जनता पार्टी के नेता रजनीश अग्रवाल और के अग्निहोत्री वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दीपचंद जी, अब एक नाम और बदला जा रहा है, लेकिन आपके नाम तो बहुत ढेर सारे हैं, लंबी फहरिस्त है, लेकिन आपत्तियां आपकी तरफ से उठने लगी, ऐसा क्यों? देखिए, प्रजातंत्र में सरकारें आती जाती हैं,
और अगर यही सोच के साथ में अगर हम योजनाओं का नाम परिवर्तित करते हैं तो ये तो कभी भी समाप्त न होने वाला एक सिलसिला शुरू हो जाएगा। और इससे मैं समझता हूँ कि अगर योजनाएं के नाम बदलने के स्थान पर अपनी नई योजनाएं लेकर के आए, जनहितैषी कार्य करें, जनता की जो अपेक्षा है सरकार से उनके अनुरूप वो कार्य करें, तो मैं समझता हूँ उसका सब स्वागत करेंगे। नाम बदलने से मैं समझता हूँ ये सिवाय इसके के बदले की भावना या मानसिक कुंठा जो कहें, क्योंकि जिन लोगों ने आप किसी भी चीज का कोई नामकरण हम करते हैं उसके पीछे उस व्यक्ति का जिसके नाम पे है उसका सोच क्या था, उसका दृष्टिकोण क्या था, उसका राष्ट्र के लिए या प्रदेश के लिए या शहर के लिए योगदान क्या था, उसके योगदान के साथ साथ उसका नामकरण किया जाता है। अब जिन लोगों का राष्ट्र के नाते स्वतंत्रता संग्राम में कोई योगदान रहा है और नहीं अदरवाइज कोई योगदान रहा है, उनके पास कोई ऐसे व्यक्ति भी नहीं है जिनके नाम पर योजनाएं रखी जाएं और जहां उनको आवश्यकता पड़ी, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने भी मध्य प्रदेश में भोपाल में बहुत से नाम रखे हैं, कुशराव ठाकरे के नाम से रख दिया, अटल जी के नाम से रख दिया, उनका योगदान रहा होगा उनकी पार्टी के लिए, लेकिन प्रदेश के लिए देश के लिए जिनका योगदान होता है उनके लिए देश की योजनाएं बनती हैं। मैं समझता हूं कि इससे ऊपर उठ करके जो भी सरकार आएगी जो आती है उसको इन सब चीजों से ऊपर उठ के सोचना चाहिए, उनको नए नए आयाम देना चाहिए, नए नए योजनाएं देना चाहिए जिससे राष्ट्र में रहने वाले लोग उससे लाभान्वित हो सके। बिल्कुल रजनीश अग्रवाल, कुछ नया लाइए, कुछ नया कीजिए, पुराने पर ही क्यों परिवर्तित करने पर? मुझे लगता है एक तो जो आपने बहस खड़ी करने की कोशिश की है, मुझे लगता है इस बहस के इतर जो बहुत बड़ी बात थी वो आप कहीं ना कहीं उस बात को छोड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि बहस का मुद्दा ये होना चाहिए कि आजादी के इतने साल के बाद भी ग्रामीणों के पास में आवास क्यों नहीं है, इतने सालों से आवास योजना चलाई जाती नहीं, पैसा बढ़ता रहा है, इसके बावजूद भी लोग बेघर क्यों हैं। मुझे लगता है बहस का जरिया ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था कि इंदिरा आवास योजना जो चल रही थी उसके जो लक्ष्य थे वो पिछले 5 सालों में कितने पूरे हो पाए। मुझे लगता है कि ये बात होनी चाहिए थी, बात ये होनी चाहिए थी कि पिछले 3 सालों में क्यों इंदिरा आवास योजना बहुत तेजी से लक्ष्य से दूर होती गई। मुझे लगता है बात ये होनी चाहिए थी कि प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने एक टाइम बाउंड प्रोग्राम रखा और कहा कि 2022 तक इस भारत देश में कोई भी बेघर नहीं होगा, और उसको लेके एक पूरे मिशन के बतौर, एक पूरे अभियान के बतौर उन्होंने कार्यक्रम रखा और एक राष्ट्रीय ग्रामीण आवास मिशन उसका नाम दिया, और उसके तहत न केवल एक संख्यात्मक लक्ष्य बल्कि गुणात्मक दृष्टि से भी गरीब का रसोई घर भी बड़ा हो, गरीब का जो मकान बनने वाला है वो भी बड़ा बने, 20 से 22 वर्ग मीटर का बने, इसके बावजूद भी केवल 40-45 हजार पहले 10-11 में था, बाद में फिर काफी दबाव रहा, 70 हजार हुआ, और आज उन्होंने कहा कि इसके जस्ट दुगना करने की जरूरत है, तो वो राशि भी बढ़ाई गई, अलग अलग मदों में राशि बढ़ाई गई। मुझे लगता है कि इस पूरे टाइम ऑन प्रोग्राम पर ध्यान देना चाहिए। पंचवर्षीय योजनाएं बनती हैं, पंचवर्षीय योजनाओं में केवल ये लक्ष्य तय किए जाते हैं कि ग्रामीणों को आवास मुहैया हमें कराना है, जिसका इतना बजट हम तय कर रहे हैं, लगभग 60 हजार करोड़ बजट तय करने की बात। मुझे लगता है कि अगर हम उस पर्सपेक्टिव में बात करें, उस दृष्टिकोण से बात करें, तो मुझे लगता है कि जो आपके दर्शक होंगे उनको भी कुछ लाभ होगा कि दरअसल सरकारें करती क्या हैं। और जो प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य लिया है 2022 तक कि हम कोई भारत में बेघर नहीं रहने देंगे, बात इस पे होनी चाहिए। नाम इंदिरा आवास योजना का अभी तक बदल के प्रधानमंत्री आवास योजना रखा जा रहा है, ये आपकी सूत्रों से खबर है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सर्कुलर, कोई ऑर्डर किसी प्रकार का नहीं निकला है, बिल्कुल ठीक बदले गए, जो भी बदले गए, लेकिन उसके बारे में अगर आप चर्चा करना चाहें ग्रामीण विद्युतीकरण अभियान की, तो उसका भी टाइमलाइन प्रोग्राम आया है, उसके तहत नई स्कीम आई है जो आदरणीय या दीपचंद जी यादव कह रहे हैं, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, एक नया प्रोग्राम नए विजन के साथ में हमने कहा कि 2019 तक हम एक भी गांव बिना बिजली के नहीं रहने देंगे, ये हमने टाइम बाउंड प्रोग्राम दीनदयाल विद्युतीकरण अभियान के माध्यम से खड़ा किया। ऐसे भी दूसरी बात अगर आप दूसरी बहस नाम पर भी ले जाना चाहें तो इस देश में बहुत महापुरुष हुए हैं,
अनेकों अनेक योजना इंदिरा गांधी जी के नाम पर चल रही है, अनेकों अनेक नाम जो सड़कों के हैं, नाम जो संस्थानों के हैं, इसी भोपाल में अखिल भारतीय स्तर के संस्थान इंदिरा गांधी जी के नाम पर हैं, देश में कई हैं, और मैं अगर गिनाने बैठूंगा तो लगभग कई लोगों ने गिनाई भी है कि 900 से ज्यादा योजना है। गांधी परिवार, उसमें भी गांधी परिवार में गांधी जी नहीं, गांधी परिवार में जवाहरलाल नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी के नाम पर 900 से ज्यादा योजनाएं चल रही हैं। मुझे, मैं उस बहस में नहीं जाता, मैं चाहता हूं इस देश में ऑब्जेक्टिव बहस खड़ी हो कि सरकारों ने गरीबों के आवास के लिए क्या किया। अगर आपको बहस ये करनी चाहिए, बहस ये करनी चाहिए कि इंदिरा आवास में मकान कितने बने, इंदिरा आवास का नाम क्या है। रिजवान भाई, मैंने कहा ना, नाम आप कुछ भी रख दीजिए, जनता को उसमें सहूलियत मिलना चाहिए, मेरा तो ये काम है। नाम रखने, नाम जवाहरलाल जी हैं, अभी जब तक रहे उनका जवाहरलाल जी हैं, इंदिरा जी हैं, अभी आपने अटल जी के नाम से रखे, दीनदयाल जी का। मैं तो पूछना चाहता हूँ हमारे दोस्तों से, दीनदयाल जी का इस राष्ट्र निर्माण के अंदर, इस देश की आजादी के अंदर, इनके भारतीय जनता पार्टी के किसी भी नेता का राष्ट्र निर्माण में और राष्ट्र की आजादी की लड़ाई में क्या योगदान रहा? मुझे लग रहा है शासन व्यवस्था में आप अगुवाई करने लगे, आपको अवसर मिला तो आपके लोग ही पीढ़ी आपके ही लोग थे। बुरा स्टील प्लांट है, बुखारो है, बाघला मंगल में, ये तो किसी के नाम पर नहीं है, ये भी तो राष्ट्र साल बनाए। क्षमा करना रिजवान जी, दीपचंद जी से मेरा वही सवाल है, 60 सालों में इस देश में कितने करोड़ लोग बेघर हैं? शायद और क्या है आपको अगर इतना, ये क्या बड़ा सवाल नहीं है? देखिए रजनीश जी, इस 60 साल में इस देश को जो नंगा भूखा देश था, जहाँ सुई नहीं बनती थी, यहाँ पर रोटी खाने के लिए नहीं थी, अनाज नहीं था, उस देश को दुनिया के मुकाबले में ये तो इतना बड़ा लज्जा करके खड़ा कर दिया कि आज वो गरीब ना पैसा गया, और उसकी अकाउंटेबिलिटी क्या है? तो मुझे लगता है कि अगर बहस इसमें जाना चाहिए, और मुझे, मैं आपको बहुत विनम्र निवेदन करता हूँ कि इसी योजना के अंतर्गत हर साल का बजट कितना होता था, कितने मकान बनने वाले थे, लक्ष्य कितने पूरे हुए, तीन साल में क्या हालत हुई पिछले तीन सालों में वो भी, और पिछले जब से इंदिरा आवास योजना शुरू हुई वो भी, मध्य प्रदेश कम राज्यों के कम कर दिए गए, साल से जो भी 11 साल से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पैसा नहीं, मुख्यमंत्री आवास योजना आदरणीय शिवराज जी ने शुरू कर दी, मुख्यमंत्री आवास योजना के नाम से अपनी सेपरेट योजना चलाई है, घर बनाए, बतला तो ये तो हमने किया क्योंकि इंदिरा गांधी इंदिरा आवास योजना से हमारा इस देश के गरीबों का कल्याण नहीं होने वाला था। मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे ही, आप बताइए कि पिछले 11 साल में मध्य प्रदेश सरकार ने कितने गरीबों को मकान दिए अपनी अपने बजट से? मुझे लगता है बहुत गंभीर सवाल करने आप करने लगे, इसलिए कि इसमें फिर आंकड़े यही रजनीश कर रहे थे, आपसे थोड़ी देर पहले बहस भी यही कर रहे थे। देखिए ये जो सवाल खड़े कर जवाहरलाल नेहरू भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य नहीं है, ये भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक इस देश में कोई बेघर ना रहे, और सरकारें लक्ष्य बनाया करती हैं। और मैंने कहा था शुरुआत में ही कि 2019 में जब हम चुनाव में जाएं तो आप हमसे पूछना कि आपने 2022 का लक्ष्य रखा था, 2019 तक आपने पूरा किया, रजनीश अपने विषय पर लौटते हैं, मैं विषय पे बात कर रहा हूं, विषय पर ना, विषय है, मूल विषय यही है रजवान जी, जिससे आप भटकाना चाह रहे हैं, हम अपने विषय पर 2022 तक हम अपने विषय पर लौटते हैं। विषय है राष्ट्रीय आवास योजना के अंतर्गत, ग्रामीण आवास योजना के मिशन के अंतर्गत कितने घर 2019 तक हम देते हैं, ये कांग्रेस हमसे सवाल करे और अपने जवाब दे कि उन्होंने इतने शासन किया, क्या दिया? राष्ट्रीय आवास मिशन में
आप कितने घर देंगे, कैसे देंगे, आप ही कह रहे हैं कि इस पर हम आपसे अलग से चर्चा करें। मैंने बताया, दो साल के टारगेट बताए मैंने, और मैंने आपको पंचवर्षीय योजना की बात बताई, मैंने 2022 का अल्टीमेट टारगेट बताया। थोड़ा सा रोकूंगा कि ये इस तरह से कोई नई चीजें शुरू करें, कुछ और नए बातें करें, कुछ और नए लक्ष्य लेकर चले। ये जो सवाल दीपचंद यादव जी आपसे कर रहे थे कि लक्ष्य कुछ नए लें, कुछ और नए आप श्रेय लेना है और नए अंदाज में लें, लेकिन ये जो पुरानी चीजें हैं, ये जो पुराने नाम है, वर्षों से चल रहे परंपरागत नाम है, हो सकता है लाखों रुपए की तो स्टेशनरी छपी हो इस तरह की चीजों को लेकर, ये सारी चीजों को अचानक परिवर्तित करने की ये इच्छा क्यों पैदा होती है, इससे फायदा क्या होता है देश का? आप कीजिए ना उसी योजना को खूब और आगे बढ़ाइए। अरे भैया, नया मिशन, नई योजना, नया मिशन, नया अभियान, नया लक्ष्य तय किया है। आप मुझे लगता नहीं कि आप उस विषय को समझने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने कहा 2022 तक का लक्ष्य इंदिरा आवास योजना का नहीं था। मैंने कहा आपसे कि जिस प्रकार का गरीबों को मकान देना है, जितने स्क्वायर, तो इंदिरा आवास योजना भी जारी रखेंगे आप? अभी तक तो कोई सरकार नहीं, अगर परिवर्तन होगा तो योजना जारी रहेगी। बजट था, करंट ईयर का जो बजट था वो तो उस पुरानी योजना की जगह नई योजना आकार ले रही है। पुरानी योजना के लिए जगह तो नई योजना आकार ले रही है ना, यही तो कर रहे हैं। बिल्कुल स्वाभाविक रूप से मैंने कहा, नाम पुराना भी नाम, दोनों नाम लेकर चलेंगे, दोनों नाम को लेकर चल रहे हैं जी। और आपको अगर कोई इसमें लगता है कि कोई गलत है, हम 2022 का लक्ष्य लेके चल रहा है, टाइम बाउंड ईयर वाइज, ऐसा नहीं कि हम डायरेक्ट 2022 में ही सबको बना रहे। नहीं, आप बहुत अच्छा लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, बड़ी चुनौती ली है आपने। लेकिन ये पुराने नेता जो है, जो प्रधानमंत्री भी रहे कभी देश के, जिन्होंने बलिदान भी दिया है, उन लोगों के नाम मिटाने की ये कोशिश क्यों कर रहे हैं? ये सवाल जो दीपचंद यादव जी सवाल कर रहे थे, उस पर जवाब दीजिए। सुजमान जी, इंदिरा गांधी जी का नाम कौन मिटा रहा है? कौन किसका नाम मिटा रहा है? यही तो पूछ रहे दीपचंद जी, भी अकाउंटिंग हो जाए कि इस देश में कितनी योजनाएं, कितने संस्थान। चलिए दीपचंद जी से पूछ लेते हैं, कितने बड़ों के नाम आपको बताएंगे। दीपचंद यादव जी, दीपचंद यादव जी, आपके बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल वही दोहरा रहा हूँ आपसे, बहुत ढेर सारे नाम है आपकी योजनाओं से, फिर क्यों इस पर हम बहस कर रहे हैं? देखिए, मैं बहस फिर मैं एक बार बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आप देश को आगे बढ़ाइए, देश में नई नई योजनाएं लेकर के आइए, देश को के लिए आप अपना योगदान दीजिए, और निश्चित ही अगर आप अच्छा योगदान देंगे तो आने वाले भविष्य, आने वाली जनरेशन, आने वाली पीढ़ियां आपके कामों को याद रखेंगी। और नाम, मैंने कहा था नाम से इतना कुछ नहीं, नाम अगर किसी व्यक्ति ने किया है तो आज हम बापू को क्यों मानते हैं, और भगवान राम को हम क्यों मानते हैं, भगवान कृष्ण को क्यों मानते हैं, हम दूसरे अंबेडकर जी को क्यों याद करते हैं, अटल जी को आज हम क्यों याद करते हैं, उनने कार्य किए इसलिए हम उन लोगों को याद करते हैं। समाज में, ये समाज में मूल्यांकन बहुत नाम है, राजीव इंदिरा नाम से बहुत सारी योजना, बहुत सी योजना है, फिर एक एक इस योजना पे क्या आपत्ति है अगर ये नाम बदल भी जाता है? मैं वही तो कह रहा हूँ, नाम अगर ये एक परंपरा चालू हो गई तो फिर तो ये नेवर एंडिंग रहेगी। आज इनने बदल दिया, कल दूसरी सरकार आएगी, वो दूसरे इनका नाम बदल देगी, फिर तीसरा नाम आएगी, सरकार आएगी तीसरा। ये नाम बदलने से अपेक्षा आप नई योजनाएं दीजिए, नए अपने नाम से योजनाएं बनाइए, लोगों को, जनता के लिए काम कीजिए, और भारत को आगे बढ़ाइए, हमारे प्रदेश को आगे बढ़ाइए, मैं समझता हूँ। और आपका मैं समझता हूँ ये छोटी छोटी चीजें के अंदर अपना वक्त जाया मत कीजिए कि साहब इंदिरा गांधी का मुझे चेहरा तो नहीं लगता, बट वो कहेंगे अटल जी का नहीं लगता, उन्होंने कहा दीनदयाल जी का ये देश के लिए क्या योगदान है, फिर भाई नई तरह की बातें हम फिर क्या बोलेंगे। मैं आपको रोकना चाहूंगा के अग्निहोत्री जी, योजना आगे बढ़ानी है यानी लकीर लंबी करनी है। जब लकीर लंबी करनी है, वो बात तो जहां आप कह रहे थे वो तो ठीक है कि प्रधानमंत्री के नाम से बना दो या इसके नाम से बना दो, उसके नाम से बना दो, लेकिन जब एक महापुरुष की जगह एक योजना दूसरे महापुरुष के नाम से कर दी जाती है, या अगर हम यही बात करें, अभी हम बीच में हमने एक चर्चा उस समय भी की थी, बाल दिवस पर पंडित जवाहरलाल नेहरू की तस्वीर नहीं थी, उनका नाम भी नहीं था, बाल दिवस नाम था उसका है ना, लेकिन उनका नाम नहीं था, तस्वीर भी नहीं थी। फिर रन फॉर यूनिटी हुई
लेकिन इंदिरा गांधी के बलिदान की बात नहीं की, उस तरह से नहीं की गई। कांग्रेस ने हंगामा भी किया, दूरदर्शन पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। ये अवसर क्यों दे रहे हैं हम देश में राजनीति? क्या यही राजनीति करनी है देश में? विकास की बात कर रहे हैं जैसे रजनीश कह रहे थे कि हमने कितना लक्ष्य लिया है उसकी बात करें, लेकिन हम ये क्यों करते हैं कि कुछ लोग इस बात से खुश होते हैं कि शायद हम उन पुराने लोगों के बारे में उनके मन में कहीं कोई पूर्वाग्रह है, कोई नाखुशी है, कोई नाराजगी है, तो हम उनको संतुष्ट करना चाह रहे हैं। करना क्या चाह रहे हैं हम? ये इस तरह की राजनीति हम क्यों ले जा रहे हैं? जो दिवंगत हो गए वो गए, देश के नाम पर उन्होंने जो भी बलिदान दिया, जो कुछ भी काम किए, उनकी अपनी अपनी जगह पर है। लेकिन हम बाकी चीजों को क्यों इस तरह से करके, इन सारी चीजों को घालमेल करके ये किस राजनीति की तरफ बढ़ रहे हैं? रिजवान भाई, भविष्य के नेताओं को हम क्या संदेश देना चाहते हैं? जो वर्तमान नेतृत्व है इस देश का, जो नेतृत्व है, चाहे वो एनडीए का हो, यूपीए का हो, किसी और पार्टी की सरकार का हो, लेकिन जिस प्रकार से इस तरह की जो राजनीति सियासत जिस तरह से की जाती है नामों को लेकर के, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के जो नेता जो हमारे आएंगे वो क्या सीख लेंगे, पहली चीज तो ये बड़ी महत्वपूर्ण है। दूसरा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि ये जहां तक इंदिरा आवास योजना की जहां तक मैं बात समझ सकता हूँ, इसका पूरा स्वरूप ही बदला जा रहा है। तो बदला जा रहा है तो सरकार को ये स्पष्ट करना चाहिए कि हम ये इंदिरा आवास योजना बंद करके एक नई योजना प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना शुरू करना चाह रहे हैं, जिसका स्वरूप इस तरह का होगा। देखिए, पिछले 3 सालों में 9,80,000 इंदिरा आवास बने पूरे देश में, लक्ष्य करीब 30-35 लाख बनाने का था। तो जब इसकी इतनी धीमी गति है, इसका लाभ गरीबों को नहीं मिल रहा, क्योंकि गरीबों के लिए आवास बनाने का काम था। और दूसरी बात, अभी तक जो बन रहे थे उसमें शौचालय तक नहीं थे, तो कम से कम ऐसे जो इंदिरा आवास जो बन रहे हैं गरीबों के लिए जो बन रहा है, वहाँ शौचालय तो हो, वरना क्या होगा कि वहाँ के जो निवासी हैं वो फिर खुले में शौच जाना शुरू करेंगे, वो बीमारियों का घर, उसमें सुधार पर्यावरण का नुकसान, उसमें सुधार की जरूरत है आज के हिसाब से, इसी महंगाई के हिसाब से उसमें निर्माण होना चाहिए। रिजवान भाई, एक बात और, उसमें जो उनका कंसेप्ट जो बदल रहा है, जैसे रसोई थोड़ी बड़ी करेंगे, वो शौचालय अनिवार्य करेंगे, तो ये एक अच्छी बात है। और जहां तक नाम का बदलने का सवाल है, तो वो बहुत ज्यादा आगे के भविष्य के नेताओं के लिए ठीक नहीं है, इसलिए कम से कम उसी को बेहतर कर। राजनीति में एक स्वस्थ परंपरा नहीं, स्वस्थ परंपरा नहीं है, जैसे कि आपने कहा रन फॉर यूनिटी और बाल दिवस को लेकर के। जी, यूनिटी का आपने उदाहरण गलत संदर्भ में दिया, सरदार पटेल के नाम पर रन फॉर यूनिटी का आयोजन पिछले 2 सालों से शुरू हुआ। सरदार पटेल को लेकर क्या आपत्ति, मुझे समझ में नहीं आता। उस महापुरुष के साथ में इस देश में जितना अन्याय कांग्रेस की सरकारों ने किया, और 31 अक्टूबर के दिन उनको याद करती है जो देश को इनका योगदान रहा, अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया, तो मुझे लगता है क्या वही है? वही समझ में नहीं आता। आपने भी कहा सरदार पटेल के नाम पर भेजे, और उसकी तुलना जी आपके पास कोई लीडर है नहीं, इसलिए कभी सरदार पटेल का नाम लेंगे, लेकिन शास्त्री का भी लेंगे, दीपचंद जी का भी लेंगे, आप दीनदयाल जी से घृणा करो, मुझे कोई सरोकार नहीं, आप सरकार की भाषा, आप जैसे वरिष्ठ नेता बोल रहे हैं दीनदयाल जी का क्या सरोकार रहा, उस बात का मैं अगर आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, देखिए वक्त की कमी है, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, आप दोनों को रोकना चाहूंगा, वक्त की कमी है। लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, आदरणीय हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता था, लेकिन मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, रजनीश मैं आपको रोकना चाहूंगा, रजनीश आपको मुझे लगता है रुकना चाहिए, रजनीश मुझे लगता है रुकना चाहिए, इस चर्चा को हम यही विराम देते हैं। रजनीश अग्रवाल आप हमारे साथ जुड़े, दीपचंद यादव आप हमारे साथ जुड़े, और के अग्नोत्री आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सवाल यही है कि हम कोई कदम उठाएं और वो सबको लेके चलने का हो, सारे लोग ये कहें कि ये काम अनुकरणीय है, ये काम परंपरा है, और उस परंपरा के हिसाब से चलना चाहिए। अगर हम ये ऐसा करते हैं तो शायद आने वाली पीढ़ी को एक अच्छा संदेश आएगा। नीयत अच्छी हो, अच्छी सोच के साथ हम काम करें, नाम तभी होगा जब हम काम करेंगे। लेकिन हम अपने पूर्ववर्तियों के नामों को मिटाने की कोशिश करें, या हम पर ऐसे इल्जाम लगे, हमारी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हों, ये चिंता का विषय है। और राजनीति में शायद
इस तरह की चीजों से बचना चाहिए। हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। न्यूज वर्ल्ड में खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाजत।